नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल toppersexam.com में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको DDA पटवारी 2022 एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे पोर्टल पर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सभी पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे कॉम्बो पैकेज, एग्ज़ाम सिलेबस, बुक प्रिंटिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही फ्री मॉक टेस्ट की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस भी दे रखे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स या प्रिंटिंग मटेरियल, ई बुक, ई लर्निंग कोर्सेज। इनके हेल्प आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप एग्ज़ाम सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। इसके साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्प्ले किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स की फैसिबिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। यदि आप इस वैकेंसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सेलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसके हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कॉम्बो पैकेज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी दी गई है, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं फ्री टेस्ट पर क्लिक कीजिए। डिटेल फिल कीजिए, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ ही में इनके ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आप फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेवन एस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ ग्रीन कलर दिखाई देगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, सेवन एस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ ब्राउन कलर दिखाई देगा। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, सेवन एस पर क्लिक करते जाइए। यदि आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं तो सबमिट टेस्ट पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट दे रखा है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो व्यू आंसर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने किए वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, जो क्वेश्चन आपने नहीं किए वो आपको ब्राउन कलर में दिखाई देंगे। यदि आप अपने एग्जाम पेज पर वापस जाना चाहते हैं तो व्यू मोड टेस्ट पर क्लिक कीजिए। इसके साथ यदि आप बुक प्रिंटिंग मटेरियल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। बुक्स की हेल्प आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। बुक्स आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं एग्ज़ाम प्रैक्टिस या रिविज़न के लिए, तो बाय पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका अमाउंट भी दिया गया है। इसके साथ यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं फ्री क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। डिटेल फिल कीजिए, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ ही में इनके ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आप इसका राइट आंसर जानना चाहते हैं तो शो आंसर पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, शो आंसर पर क्लिक करते जाइए। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस भी दे रखे हैं, जैसे ई बुक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक। यदि आप इन्हें देखना चाहते तो क्लिक करके देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिए। यदि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ऐप पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम के न्यू नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। यदि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारे विजिट toppersexam.com पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पोर्टल toppersexam.com से आप हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी।